समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और 24 घंटे में सामने आए हैं 245 नए कोरोना मरीज। बड़ी खबर है इस वक्त की उत्तरकाशी से। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 245 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 3 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। जिले में 1265 पहुंचा है एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1200 को पार कर गया है। तो लगातार कोरोना की दूसरी लहर का खतरा जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। लगातार मामले आते जा रहे हैं सामने। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिरकार संक्रमण के खतरे को कैसे रोका जाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आमो खास हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है और हर दिन कोरोना अपने ही नए रिकॉर्ड बना रहा है। अभी बात उत्तरकाशी की करें तो 24 घंटे में 245 नए मरीज सामने आए हैं और जिले में 1200 से ऊपर हो चुके हैं एक्टिव मरीजों की संख्या। राज्य में 24 घंटे में अब तक कोरोना के 5653 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरे राज्य में 107 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 51,127 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 1,86,014 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2,731 लोगों की मौत हो गई है। 28,557 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 578 मामले हरिद्वार जनपद में है। 2,266 मामले देहरादून जनपद में हैं, 810 मामले नैनीताल जनपद में हैं, 503 मामले ऊधम सिंह नगर में हैं, 330 मामले जो हैं वो पौड़ी गढ़वाल में हैं, 153 मामले टिहरी गढ़वाल में हैं, 163 मामले अल्मोड़ा, 128 मामले चंपावत, 116 मामले चमोली और 106 मामले उत्तरकाशी में हैं, 135 मामले जो है वो पिथौरागढ़ में है, 146 बागेश्वर, 59 मामले रुद्रप्रयाग में है। शनिवार को ये मामले सामने आए हैं जो लगातार आप आंकड़े अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर जिले के आंकड़े आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार हर जिले में कोरोना के आंकड़े जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच पिथौरागढ़ में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और 30 अप्रैल तक जिले में कुल 693 एक्टिव मामले थे। कुल 10,04,283 लोगों की सैंपलिंग की गई है जिनमें से 4,060 लोगों की कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। 58 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में 324 कोरोना पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में हैं। वहीं 54 मरीज कोविड केयर सेंटर में, 47 जिला चिकित्सालय में और 268 लोग दूसरी जगहों पर आइसोलेशन में हैं। और इन सब के बीच 3,311 पॉजिटिव मरीजों को ठीक हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हरिद्वार जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राहत भरी भी खबर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संसाधनों की कमी और समस्याओं को दूर करने के लिए पतंजलि योगपीठ सामने आया है। कुंभ मेले में बनाए गए 150 बेड के बेस अस्पताल और 500 बेड के बाबा बर्फानी हॉस्पिटल के संचालन में पतंजलि योगपीठ सहयोगी करेगा। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। बैठक में दोनों हॉस्पिटलों को लेकर समझौता किया गया है। दोनों हॉस्पिटल 2 दिन के भीतर शुरू किए जाएंगे। पतंजलि योगपीठ दोनों हॉस्पिटल के संचालन में मदद करेगा। पतंजलि की ओर से स्टाफ नर्स, आयुर्वेद डॉक्टर, योग प्रशिक्षक, भोजन और स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं जिला प्रशासन दोनों हॉस्पिटल में जल्द ही ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर का इंतजाम करेगा। दोनों हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर फैसिलिटी उपलब्ध हो सकेगी जिससे गंभीर कोरोना मरीजों को हायर सेंटर रेफर नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड शासन और हरिद्वार प्रशासन के सहयोग से अभी 1-2 अच्छे जो हॉस्पिटल है कोविड हॉस्पिटल के रूप में और क्रिटिकल केयर के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें सरकार की ओर से जितने भी संसाधन हैं उसके साथ में पतंजलि अपनी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट करेगा और लगा करके बहुत जल्दी हम उसको शुरू करने वाले हैं। अभी पतंजलि के साथ एक मीटिंग किया गया है, उनके साथ एक अग्रीमेंट हो रहा है कि हमारा बेस हॉस्पिटल एंड बाबा बर्फानी हॉस्पिटल को ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ जो है एसोसिएशन में इसको चलाने के लिए एक अग्रीमेंट बना है। उनके ओर से जो है स्टाफ नर्सेस दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स दे रहे हैं, योग प्रशिक्षक दे रहे हैं, काफ़ी मात्रा में एंटायर जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें खाना पीना उनका रहना इस प्रकार का जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं।
अल्मोड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी जोरों पर है। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों का सबसे आईसीयू वार्ड बनाने की तैयारी है। करीब 7,60,00,000 रुपए से तैयार होने वाले इसे आईसीयू वार्ड के लिए फंड भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे बनने से पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत समेत अल्मोड़ा के मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। 7,60,00,000 की लागत से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसके माध्यम से बनवाया जा रहा है और लगभग 1.5-2 महीने में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जाने की रोड का भी एक प्रॉब्लम है हमको और वो रोड भी हम जल्दी बनवा रहे हैं जो कार्यदायी संस्था है। और उसके अलावा जो अंदर का जितना भी सेटअप लगना है वो क्योंकि HLL द्वारा लगाया जाएगा तो बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट और बाकी चीज़ों का सेटअप वो लोग लगाएंगे। बागेश्वर में कोरोना का कहर बढ़ते ही जा रहा है, साथ ही साथ कठायत बाड़ा इलाके में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद पूरे इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इस इलाके में 16 से अधिक परिवार हैं और करीब 30 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन से इलाके के सभी लोगों से सहयोग की अपील की गई है। 29 लोगों के पॉजिटिव आने की सूचना हमारे पास कठायत बाड़ा में विगत 15 दिनों में है, जिसमें 16 परिवारों को कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट के अंतर्गत जो है निहित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित हुई है। जिलाधिगांव, मंडल सेरा, दुग बाजार, सभी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर भी जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और हमारे पास पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ पर लगातार सैम्पलिंग की जा रही है। 29 लोगों के पॉजिटिव आने की सूचना हमारे पास कठायत बाड़ा में विगत 15 दिनों में है, जिसमें 16 परिवारों को कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट के अंतर्गत जो है निहित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित हुई है। जिलाधिगांव, मंडल सेरा, दुग बाजार, सभी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर भी जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और हमारे पास पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ पर लगातार सैम्पलिंग की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कोविड की स्थिति पर समीक्षा करते हुए डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिए और साथ ही सीएम राहत कोष से आशा कार्यकर्त्रियों को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश दिए। सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि जरूरत अब डोर टू डोर सर्वे करने की है, जिससे कि कोरोना महामारी पर लगाम लगाई जा सके। हेल्पलाइन नंबर 104 के अलावा सीएम हेल्पलाइन नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर की संख्या में बढ़ोतरी पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉल सेंटर और हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से सक्रिय रहे, अस्पताल की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं को हमेशा अपडेट किया जाए जिससे कि जरूरतमंद जरूरी सेवाओं का लाभ ले सके। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के संबंध में भी बात रखी गई कि हर संभव कोशिश करते हुए विभिन्न संगठनों की, उद्योगों की भी सहायता ली जा सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की व्यवस्था को लगातार क्रॉस चेक करवाया जाए, संबंधित मरीजों और उनके परिजनों से इसका फीडबैक लिया जाए ताकि कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके। देहरादून से सुरेंद्र सीला, न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहरी हो या देहात, बड़ी संख्या में लोग इस लाइलाज बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अपनी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लालठांग क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। निरीक्षणी में आपको बता दें, ये बात सामने आई है कि इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है और मौके पर हरिद्वार सीएमओ को बुलाया गया है और जल्द ही लालठांग क्षेत्र में ऑक्सीजन और अन्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आज जो हमारा लालठांग के अंदर CSC हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया कि उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं, सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं, टीकाकरण सही से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। अभी CMO मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे पास आएगा तत्काल हम उनको किट देना काम करेंगे और कोई भी कोरोना पॉजिटिव ऐसा नहीं होगा इलाके में जिसको किट नहीं दी जाएगी।
उत्तराखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक संगठन और धार्मिक समुदाय के लोग सरकार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड मुस्लिम समुदाय धर्मगुरु और उलेमाओं ने राज्य की सभी मस्जिदों व मदरसों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का ऐलान किया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि कोरोना विकराल रूप ले रहा है, उसको देखते हुए हमने सभी मस्जिदों और मदरसों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का फैसला लिया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग एम्बुलेंस वाहन और स्वास्थ्य कर्मियों की टीमों की आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे। सरकार बता रही है, सरकार चलाना चाहती है और वो डॉक्टरों के मशवरे से कि हम लोग इस मरज से मतलब के आपस में सोशल डिस्टेंस बना के रखें और अपने तमाम कामों से फारिग होकर फालतू सड़कों पर ना घूमें, इधर उधर ना जाएं, समझे, और महफिलें ना जमाएं और अपने घर में रहें और ज़्यादातर मतलब कि अल्लाह से दुआ करते रहें और जो आदमी बीमार है उसको मतलब कि जहाँ तक भी हो सके उसकी बीमारी का इलाज करें। अगर सरकार को, हमारी सरकार को ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड्स की कमी है, तो हम अपने इदारे को जो कि 24x20 के 9 कमरों पर मुश्तमिल है उसको हम हॉस्पिटल में तब्दील कर देंगे। हम पूरी तरीके से साथ हैं हुकूमत के। आपदा की इस घड़ी में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये एम्बुलेंस चालक एक शव को महज 3 किलोमीटर दूर पहुंचाने के एवज में 80,000 किराया मांग रहा था। भेल के सेवानिवृत्ति AGM की कोरोना से मौत हो गई थी। उनके साथ केवल उनकी पत्नी थी। उनका बेटा अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गया है, लेकिन बेटे के आने में 2 दिन का समय लगता, इसके लिए शव को सुरक्षित रखने की बात थी। महिला ने एक फ्रीजर वाले एम्बुलेंस से बात की थी तो उसने 2 दिन शव रखने और शमशान ले जाने के लिए 80,000 रुपये की मांग की है। उसका फंडा तब फूट गया जब 2 दिन बाद शव को शमशान ले जाया गया। वहां मौजूद SDM ने निरीक्षण के दौरान घर वालों से एम्बुलेंस के किराए की पूछताछ कर ली। जैसे ही किराए का पता चला SDM हरकत में आ गए और ARTO को तत्काल मौके पर बुला लिया। एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घाट के निरीक्षण पे भी गए थे तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आया और जो वहाँ पे एक बॉडी लाई थी तो उससे वो 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की तो उसका कहना ये है कि परसों रात को जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी डाली थी। लगभग 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी, तो उसकी डिमांड के लिए, उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पे की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो ARTO है उनको भी बुलाया वहाँ पे और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के तमाम फॉरेस्ट रिजर्व और जू को बंद कर दिया गया है। राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने नेशनल पार्क, जू और टाइगर रिजर्व में पर्यटकों और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये रोक फिलहाल 15 मई तक जारी रहेगी, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मसूरी में 31 करोड़ की लागत से बनी निर्माणाधीन बहुमंजिल पार्किंग का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग को इससे पहले भी घटिया सामग्री के लिए चेतावनी दी गई थी। गौरतलब है कि बहुमंजिला पार्किंग स्टेट में भी फैल कर दी गई है और साथ ही साथ बावजूद इसके यहां पार्किंग का काम लगातार चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा भी इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे हादसे की जांच कराई जाएगी। अच्छे हो, ये प्रॉपर डिजाइन हुआ है और डिजाइन के बाद ही सब चीज़ें फैब्रिकेट होकर फैक्ट्री से बन के ही यहाँ पे आई हैं। इरेक्शन किया गया, इरेक्शन में जरूर मैं मान ये देख रहा हूँ कि जो कंक्रीट का कॉलम है उससे जो ज्वाइंट दिया गया है वो वीक है और उसी वीकनेस की वजह से ही उसी साइड से ही मेंबर गिरा है। इसमें 2016 में जब इसका कार्य शुरू हुआ था तो इसमें 34 करोड़ लागत में जो ये मसूरी की पार्किंग तैयार हो रही थी, तो इसमें मिली भगत थी, इसमें क्षेत्र विधायक और विभागों की मिली भगत थी। इसमें जब IT रुड़की ने इसका निरीक्षण करा तो इसमें निरस्त कर दिया था इसमें। और दूसरा इसमें ये है कि अगर कोरोना काल ना चल रहा होता तो इसमें काफ़ी दुर्घटना होने की संभावना थी
और इसमें जनता वैसे ही परेशान है क्योंकि पर्यटन स्थल मसूरी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा में कई पुल तबाह हो गए थे। प्रदेश सरकार ने इन पुलों के पुनर्निर्माण तेजी से कराया है। आपदा में टूट चुके रेड़ी गांव के एक पुल को लोक निर्माण विभाग ने फिर बना दिया है। 100 मीटर के इस झूला पुल से अब लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है और इस पुल के बन जाने से स्थानीय निवासियों को बहुत राहत मिलेगी। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार खास सावधानियां बरती जा रही है। पूरे इलाके में साफ सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर चल रहा है। नई गाइडलाइन के चलते इस बार आम श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर सकेंगे। केवल मंदिर से जुड़े लोगों के साथ ही हकधारी ही बद्रीनाथ धाम जा सकेंगे। आपको बता दें, मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो जाएगी और 18 मई को शुभ मुहूर्त में सुबह 4:15 पर मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। जिस प्रकार से रावल धर्माधिकारी जो वहाँ पर पिछले वर्ष भी जैसे जितने लोगों को परमिशन मिली वैसी परमिशन मिलेगी, लेकिन यात्रा का फर्क तो अवश्य ही जनता पे पड़ेगा। जिस प्रकार से एक बिल्कुल धरा पे आ चुकी थी जनजीवन लोगों का, उसमें रुकावट जरूर आ गई, लेकिन जीवन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जीवन रहेगा तो सब कुछ है। हरिद्वार में गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला हरिद्वार के ग्राम सहदेवपुर गांव का है, जहां खेत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से किसान पवन के खेत में कटी पड़ी गेहूं की करीब 15 बीघा फसल जलकर राख हो गई। इस आग लगने के कारण बराबर के खेत में रखा 60 बीघा भूसा भी जलकर राख हो गया। जहां मौके पर पहुंचे कई खेत के मालिकों ने मदद की गुहार लगाई। शोर सुनकर खेत में पहुंचने वालों को भी नहीं समझ में आया कि आग की धधकती लपटों को कैसे शांत किया जाए। जहाँ चुनौती बड़ी थी, लेकिन आग पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं था। इस हालात में घंटों किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अब बर्बाद हुए किसानों की उम्मीद प्रशासन पर टिकी है कि उसकी कोई मदद करे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5 राज्यों असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें, 27 मार्च 5 राज्यों में शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण की वोटिंग के साथ खत्म हुई थी। इसके अलावा लोकसभा और दूसरे राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती भी आज ही होगी। मतगणना के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा और वहीं चुनाव आयोग ने अपने एक आदेश में 2 मई को राज्यों में मतगणना के दौरान या फिर उसके बाद सभी तरह की विजयी जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी जगह मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। मतगणना स्थल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर आज परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आज देखना होगा कि किसकी जीत होती है। हालांकि एक जो बड़ी चुनौती है वो भी नज़र आ रही है, क्योंकि इस बड़ी चुनौती के बीच ही आज वोटों की गिनती भी होगी, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम बनाए गए हैं उस प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह के जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो आतिशबाजी होती है, जो जश्न मनाए जाते हैं, जो उत्साह देखने को मिलता है वो नहीं किया जाएगा। और ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केरल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मतगणना स्थल की तस्वीर ये दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से लोग जो है उनकी भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि लोगों ने मास्क पहन रखा है, प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है क्योंकि मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि ये भी लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि जो कोरोना के नियम बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसका पूरी तरीके से पालन करना होगा, अन्यथा नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो लंबी कतार है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वोटिंग हुई थी उसमें लोगों का उत्साह जो था वो देखने को मिला था, किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। लेकिन एक जो बड़ी चुनौती नजर आ रही है उसे कैसे पार पाया जाएगा, ये देखने वाली बात होती है। हालांकि आज 2 मई को लेकर जो वोटिंग होनी है उसको लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही थी। इसे रोकने की बात की जा रही थी कि वोटिंग अभी ना करा के बाद में कराया जाए, क्योंकि कोरोना काल में लगातार जो खतरा बढ़ते जा रहा है उसको लेकर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं।
और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।